हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू कॉम्पिटेटिव गाइडर। कॉम्पिटेटिव गाइडर चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास नाइन्थ का केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है परमाणु अणु और आयन, और ये हम लोग भारती भवन बुक से देखेंगे। तो यहाँ पे हम लोग आज के इस वीडियो में लघुतरीय प्रश्न देखेंगे, तो आप सभी बने रहिए। और भी वीडियो का लिंक आपको आई बटन पे मिल जाएगा, आप लोग वहां से जाकर इसको एक्सेस कर सकते हैं। साथ में इस वीडियो का पीडीएफ भी डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ रहेगा, तो आप उसको भी डाउनलोड करके इसका आंसर क्वेश्चन कर सकते हैं। तो चलिए फटाफट से हम लोग स्टार्ट हो जाते हैं, इसका आंसर क्वेश्चन करते हैं। चलिए क्वेश्चन इस प्रकार से, फर्स्ट में आपसे पूछा गया है कि स्थिर अनुपात का नियम लिखिए। स्थिर अनुपात का नियम का एक और नाम है, आप लोग उसको ध्यान दीजिएगा, जिसको हम लोग निश्चित अनुपात का नियम भी बोलते हैं। तो चलिए फटाफट से इसका आंसर लिखना स्टार्ट करते हैं। किसी रासायनिक यौगिक के सभी शुद्ध नमूनों में एक ही प्रकार के तत्व भार के विचार से हमेशा एक निश्चित अनुपात में परस्पर संयुक्त रहते हैं, स्थिर अनुपात का नियम कहलाता है। क्वेश्चन नंबर टू में कहता है कि किसी पदार्थ ए के 5.2 ग्राम दूसरे पदार्थ बी के 7.27 ग्राम के साथ संयोग करके 7.9 ग्राम प्रतिफल बनाते हैं, और वो प्रतिफल कौन सा है? ए बी बनेगा, ए और बी है। तो कैसे सिद्ध करेंगे कि यह परिणाम द्रव्यमान की अनश्वरता के नियम का पालन करते हैं? तो चलिए पहले हम लोग फटाफट से यहाँ पे लिख लेते हैं कितना कितना दिया है। तो यहाँ पे हम लोग बात करें तो ये आपको दिया है, ए इक्वल टू दिया था 5.2 ग्राम, ठीक है ना। बी इक्वल टू दिया है 2.7 ग्राम, और ए बी दिया है, ठीक है ना, वो दिया है आपको 7.9 ग्राम। इतना दिया था ना, देख लीजिए यहाँ से इतना ही दिया है। और यहाँ पे अब क्या करना है कि ए और बी क्या कर रहा है, अभिक्रिया कर रहा है, और उसके बाद ए बी बन रहा है। और ए और बी का जो वैल्यू है वो 5.2 ग्राम है, और बी का वैल्यू है 2.7, और इक्वल टू इधर कितना आ रहा है, 7.9। अगर ये दोनों को ऐड करें तो ये कितना आएगा, 7.9 इक्वल टू इधर आ जाएगा 7.9 ग्राम, ठीक है ना, दोनों तरफ। इससे क्या पता चलता है कि जो पदार्थ की अनश्वरता का नियम है वो कहता है कि अभिकारक का जो द्रव्यमान होना चाहिए वो प्रतिफल के कुल द्रव्यमान के बराबर होने चाहिए, और अभिकारक उसे हम लोग कहते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, अभिकारक, और इधर वाला को क्या कहेंगे, प्रतिफल। तो यहाँ पे अभिकारक का जो द्रव्यमान है वो प्रतिफल के कुल द्रव्यमान के बराबर है, तो इसलिए हम यह कह सकते हैं कि यह पदार्थ का अनश्वरता के नियम को फॉलो करता है, पालन करता है। तो ये भी हम लोग जानते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप पदार्थ का जो कुल द्रव्यमान होता है वह अपरिवर्तित रहता है, द्रव्यमान में कोई चेंजिंग नहीं आता है, जो भार होता है उसमें कोई चेंजिंग नहीं आता है। तो इस तरीके से हम इसको सिद्ध कर सकते हैं। चलते क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपसे पूछा है परमाणु की क्या विशेषताएं हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि परमाणु होते क्या हैं। तो हम लोग बात करें तो इसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एटम, ठीक है ना, एटम। अब एटम परमाणु क्या होता है, आपने पढ़ा होगा, डाल्टन महोदय ने इसके बारे में बहुत अच्छे से समझाया है, और यदि आप लोग नहीं पढ़े हैं तो चैनल कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर ये बताइएगा, हम इसका चैप्टर बाई चैप्टर जब फिर से पढ़ाएंगे, बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं परमाणु क्या होती है। तो परमाणु की विशेषताएं यहाँ पे बताना था, तो हम लोग लिखेंगे कि परमाणु की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। फर्स्ट विशेषताएं इस प्रकार से है कि किसी तत्व के सभी परमाणु सदृश होते हैं। सदृश कहने का मतलब उसको आप देख सकते हैं, किंतु वे अन्य तत्वों के परमाणु से भिन्न होते हैं, ठीक है ना, वो अन्य तत्वों के परमाणु से बिल्कुल भिन्न होते हैं। सेकेंड हमने यहाँ पे लिखा है कि तत्व का प्रत्येक परमाणु सभी गुणों को प्रदर्शित करता है, यानी कहने का मतलब अगर आपका H है तो इसका प्रत्येक परमाणु किसको बताएगा, तो H के गुण को, यानी हाइड्रोजन के गुण को। तो इस तरीके से इसकी विशेषताएं हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है कि सापेक्ष परमाणु
क्वेश्चन फोर होगा पहले। क्वेश्चन फोर कहता है किसी तत्व के संकेत से क्या सूचनाएं प्राप्त होती है। तो हमने लिखा है कि तत्वों के संकेत से निम्नलिखित सूचनाएं प्राप्त होती है, कौन कौन सी। तो पहले यह बताता है कि यह किसी विशेष तत्व का निरूपण करता है, जैसे आपका नाम है तो आपका नाम का लेटर आपको क्या बताता है, पहला लेटर क्या बताता है कि यह फलना का नाम है। ठीक उसी तरीके से इसका निरूपण करने में, जैसे हमने एच किया कहा तो एच फोर क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन, ये नहीं कि एच फोर हीरो हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से यहाँ पे क्या मिला, एक विशेष तत्व का निरूपण करता है क्या, संकेत। फिर सेकेंड में हमने लिखा है कि यह तत्व की परमाणु को व्यक्त करता है, कहने का मतलब जैसे हमने एच हाइड्रोजन लिया तो इस हाइड्रोजन के परमाणु को वो व्यक्त करेगा कि ये हाइड्रोजन का परमाणु है। फिर उसके बाद थर्ड में यह तत्व के एक परमाणु द्रव्यमान का प्रतिनिधित्व करता है। आपने सुना होगा एवोगाड्रो संख्या, ठीक है ना, एवोगाड्रो संख्या, या एक मोल में एक परमाणु का द्रव्यमान कितना होता है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, एक मोल में एक परमाणु द्रव्यमान का भार कितना होता है, जरा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो यही तीन चीज इसकी विशेषताएं हैं और साथ में संकेत भी देता है, सूचनाएं भी प्राप्त करता है। चलते क्वेश्चन नंबर फाइव। क्वेश्चन नंबर फाइव में कहता है कि सापेक्ष परमाणु द्रव्यमान की व्याख्या कीजिए। तो आइए देख लेते हैं सापेक्ष परमाणु द्रव्यमान किसे पहले कहते हैं। तो कहता है कि किसी तत्व का परमाणु द्रव्यमान एक संख्या है जो बताती है कि उस तत्व के परमाणु द्रव्यमान कार्बन 12 परमाणु के द्रव्यमान के 12वें भाग में कितना गुना अधिक है। तो इसको हम लोग कहते हैं सापेक्ष द्रव्यमान, और सापेक्ष द्रव्यमान बराबर होता है तत्व के एक परमाणु का द्रव्यमान बटा 1/2 गुना कार्बन 12 परमाणु का द्रव्यमान। तो इस तरीके से आप सापेक्ष परमाणु द्रव्यमान निकाल सकते हैं। चलते क्वेश्चन नंबर सिक्स। क्वेश्चन नंबर सिक्स में कहा है कि अणु की परिभाषा लिखिए। तो चलिए फटाफट से अणु की बात करें तो इसको मॉलिक्यूल बोलते हैं, ठीक है ना, मॉलिक्यूल। चलिए देख लेते हैं, दो या अधिक परमाणुओं से बना वह पदार्थ जो सबसे छोटा कण हो और वो स्वतंत्र रूप में रह सकता हो, तो ऐसे चीज को हम लोग क्या कहेंगे, अणु कहेंगे। अणु की यहाँ पे परिभाषा हमने दे दिया, अब अणु की यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेवन में विशेषताएं लिखनी है, और वो भी आपको केवल और केवल दो विशेषताएं लिखनी है। तो चलिए फटाफट से हम लोग यहाँ पे दो विशेषताएं को लिख लेते हैं क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। चलो अणु की विशेषताएं निम्नलिखित हैं, जिनमें आप देख सकते हो अणु की विशेषताएं में वो कौन कौन सी हैं। फर्स्ट में हमने लिखा है कि किसी विशेष पदार्थ के सभी अणु सदृश्य होते हैं, यानी आप इसको देख सकते हैं। फिर उसके बाद विभिन्न पदार्थों के अणु भिन्न भिन्न होते हैं, तो ये तो जाहिर सी बात है, जैसे हाइड्रोजन है तो इसका अणु अलग होगा, हीलियम है तो इसका अलग होगा, कैल्शियम है तो इसका अलग होगा, पोटेशियम है तो इसका अलग होगा। फिर थर्ड में हमने यहाँ पे बताया है कि पदार्थ के मूल से आप क्या समझते हैं, ये क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन एट, पदार्थ के मूल से आप क्या समझते हैं। तो चलिए फटाफट से देख लेते हैं कि मूल क्या होता है। तो मूल किसी पदार्थ की वह मात्रा है जिसमें मूल कणों परमाणु अणु आयन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन आदि की संख्या उतनी होती है जितनी कार्बन 12 के ठीक 12 ग्राम में उसके परमाणुओं की संख्या होती है, उसके परमाणुओं की संख्या होती है, उसी को हम लोग मोल कहते हैं। जैसे जैसे आप थोड़ा सा यहाँ पे हम आपको बताना चाहेंगे कि एक मोल बराबर कितना होता है, ये भी आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे, ठीक है ना, एक मोल बराबर कितना होता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नाइन पे। क्वेश्चन नंबर नाइन में कहा है कि निम्नलिखित पदार्थों के रासायनिक सूत्र लिखें। ये तो बहुत ईजी है, यदि आपको इसमें संयोजकता, ठीक है ना, संयोजकता आपको पता है, ठीक है ना, तो आप इसको बहुत अच्छे से लिख पाओगे। जैसे यहाँ पे सोडियम, सोडियम सल्फेट, ठीक है ना, तो क्या लिखोगे, Na2SO4। अब यहाँ पे देखो टू किसका संयोजकता है, ध्यान से देखना, टू किसका है, तो ये SO4 का, तो यहाँ पे आपने पढ़ा होगा इस तरीके से, ठीक है ना, AB, यहाँ पे मान लो टू है और ये थ्री है, तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं,
A3B2 इस तरीके से। फिर उसके बाद सेकंड में सल्फर ट्राइऑक्साइड, तो क्या हो जाएगा सल्फर ट्राइऑक्साइड का SO3। फिर उसके बाद बेरियम नाइट्रेट, तो क्या होगा इसका BaNO3 के हॉल्टो। फिर उसके बाद कैल्शियम फॉस्फेट, तो इसका क्या होगा Ca3PO4 के हॉल्टो। तो इस तरीके से हम लोगों का आज का ये सीरीज समाप्त होता है। हम लोग नेक्स्ट सीरीज यानी चैप्टर नंबर 4 को देखेंगे अगले वीडियो में। तो आप सभी बने रहें, वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखिए, और इसी तरह का कंटेंट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है। और क्लास 9 से रिलेटेड और भी वीडियो आपको चैनल पे मिल जाएंगे, तो आप सभी वहां पर जाकर भी उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।